हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको प्रेमचंद द्वारा लिखित निर्मला की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। बाबू उदय भानुलाल का मकान आज बाजार बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही हैं। सामने नीम के नीचे बड़ी चारपाइयां बना रहा है। खपरेल से हलवाई के लिए भट्टा खोदा गया है। मेहमानों के लिए अलग एक मकान ठीक किया गया है। यह प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी और एक एक मेज हो। हर तीन मेहमानों के लिए एक एक कहार रखने की तजवीज़ हो रही है। अभी बारात आने में एक महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो रही हैं। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को जबान हिलाने का मौका ना मिले। वे लोग भी याद करें कि किसी के यहाँ बारात में गए थे। पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ है। चाय की सेट है, नाश्ते की तस्तरियाँ, थाल, लोटे, गिलास। जो लोग रोज़ खाट पर पड़े हुक्का पीते रहते थे, बड़ी लगन से काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का ऐसा अच्छा अवसर उन्हें फिर बहुत दिनों के बाद मिलेगा। जहाँ एक आदमी को जाना होता है, वहाँ पांच दौड़ते हैं। काम कम होता है, हुल्लड़ अधिक होता है। ज़रा ज़रा सी बात पर घंटों तर्क वितर्क होता है और अंत में वकील साहब को आकर निर्णय करना पड़ता है। एक कहता है यह घी खराब है, दूसरा कहता है इससे अच्छा बाजार में मिल जाए तो टंग की राह से निकल जाऊं, तीसरा कहता है इसमें तो हींक आती है, चौथा कहता है तुम्हारी नाक ही सड़ गई है, तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं। जब से यहाँ आए हो घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन भी नहीं होते थे। इस पर तकरार बढ़ जाती है और वकील साहब को झगड़ा सुलझाना पड़ता है। रात के 9 बजे थे। उदय भानुलाल अंदर बैठे हुए खर्च का तखमीना लगा रहे थे। वह प्रायः रोज़ ही तखमीना लगाते थे, पर रोज़ ही उसमें से कुछ ना कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करना पड़ता था। सामने कल्याणी भौंय सिकोड़े हुए खड़ी थी। बाबू साहब ने बड़ी देर के बाद सिर उठाया और बोले 10,000 से कम नहीं होता, बल्कि शायद और बढ़ जाए। कल्याणी ने कहा 10 दिन में 5 से 10,000 हुए, 1 महीने में तो शायद 1,09,000 आ जाए। उदय भानु ने कहा क्या करूं, जगह सही भी तो अच्छी नहीं लगती, कोई शिकायत हुई तो लोग कहेंगे नाम बड़े दर्शन थोड़े, फिर जब वह मुझसे दहेज 1 पाई नहीं लेते तो मेरा भी कर्तव्य है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई बात ना उठा रखूं। कल्याणी ने कहा जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची तब से आज तक कभी बारातियों को कोई खुश नहीं रख सकता, उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई ना कोई अवसर मिल ही जाता है, जिससे अपने घर सूखी रोटियां भी मैसर नहीं, वह भी बारात में जाकर तानाशाह बन बैठता है। तेल खुशबूदार नहीं, साबुन टके शेर का है, जाने कहां से बटोर लाए, कहार बात नहीं सुनते, लालटेनों धुआं देती हैं, कुर्सियों में खटमल है, चारपाइयां ढीली हैं, जनवासी की जगह हवादार नहीं है। ऐसी ऐसी हजारों शिकायतें होती रहती हैं, उन्हें आप कहां तक रोकिएगा। अगर यह मौका ना मिला तो और कोई ऐप निकाल लिए जाएंगे। भाई यह तेल तो पूरी औरतों के लगाने लायक है, हमें तो सादा तेल चाहिए। जनाब ने यह साबुन नहीं भेजा है, अपनी अमीरी की शान दिखाई है, मानो हमने साबुन देखा ही नहीं। ये कहार नहीं, ये यमदूत है। जब देखिए सिर पर सवार लालटेने ऐसी भेजी हैं कि आंखें चमकने लगती हैं, अगर 10-5 दिन इस रोशनी में बैठना पड़े तो आंखें फूट जाएं। जनवासा क्या है, अभाग्य का भाग्य है जिस पर चारों तरफ से झोंके आते रहते हैं। मैं तो फिर यही कहूँगी कि बारातियों के नखरों का विचार ही छोड़ दो। इन सब बातों को लेकर दोनों के बीच बहस की शुरुआत हो गई, जो बहुत देर तक चली। कल्याणी ने कहा तुम यह पूछने वाले कौन होते हो, ईश्वर की सृष्टि में असंख्य प्राणियों के लिए जगह है, क्या मेरे लिए ही जगह नहीं है। यह कहकर कल्याणी कमरे के बाहर निकल गई। आंगन में आकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा, मानो तारागण को साक्षी दे रही हो कि मैं इस घर से कितनी निर्दयता से निकाली जा रही हूँ। रात के 11 बज गए थे, घर में सन्नाटा छा गया था। दोनों बेटों की चारपाई उसी के कमरे में रहती थी। वह अपने कमरे में आई देखा चंद्रभानु सोया है, सबसे छोटा सूर्यभानु चारपाई पर उठ बैठा है। माँ को देखते ही वह बोला तुम कहाँ गई थी अम्मा। कल्याणी दूर से ही खड़े खड़े बोली कहीं तो नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी के पास गई थी। सूर्य ने कहा तुम चली गई तो मुझे अकेले डर लगता था, तुम क्यों चली गई थी बताओ। यह कहकर बच्चे ने गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। कल्याणी अब अपने को ना रुक सकी, मात्र स्नेह के सुधा प्रवाह से उसका संतप्त हृदय परिवलित हो गया। हृदय के कोमल पौधे जो क्रोध के ताप से मुरझा गए थे फिर हरे हो गए, आंखें सजल हो गई। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर बोली तुमने पुकार क्यों नहीं लिया बेटा। सूर्य ने कहा पुकारता तो तुम सुनती नहीं थी,
बताओ अब तो कभी ना जाओगे? कल्याणी ने कहा, नहीं भैया अब नहीं जाऊंगी। यह कहकर कल्याणी सुरभानु को लेकर चारपाई पर लेटी। माँ की हृदय सिर पड़ते ही बालक सो गए।